नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। कैसे हैं सभी? एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। जो वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक नहीं हो पाया, पिछले 5 साल में जिस वैकेंसी से आप लोग वंचित रह गए, जिसकी राह देखते रहे, उसके सारी राह अब क्लियर हो गई है और आगामी 2-3 महीनों में आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा रिक्त पद खाली है और अगर हम माध्यमिक की बात करें तो अभी तक देखा जाए तो पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा पद जो रिक्त है माध्यमिक के, वो इस वर्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। इसे आप चुनावी एजेंडा भी बोल सकते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि 2018 से बहुत सारे कारणों से कभी क्या हुआ, कभी अर्हता को लेके, तो कभी बोल सकते हो कि एलिजिबिलिटी जो है बाकी समकक्षता को लेके, तो इनसे संबंधित कुछ ना कुछ हमेशा क्या होता था कि एक रोक लगी रहती थी और 2018 के बाद से एलटी ग्रेड आपकी नहीं आई थी। तो एलटी ग्रेड और अगर देखा जाए 2020 के बाद से जीआईसी, दो ये परीक्षा और उसके साथ अन्य जो सहायक अध्यापक हैं या फिर माध्यमिक में लिपिक वर्ग के हैं या फिर माध्यमिक में अन्य जो वैकेंसीज हैं उनके रास्ते साफ हो गए हैं। जो तीन बड़े बड़े आयोग मिलके इनकी भर्तियां करवाने वाले हैं, एक आपका यूपीपीएससी, दूसरा आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हुआ है वो, और तीसरा आपका लिपिक की जैसी भर्ती है ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये तीन अलग अलग जो आयोग है आपको मिलके ये सारी की सारी वैकेंसी कवर करवाएंगी। 67,174 पद रिक्त है, कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सारे के सारी सीधी भर्तियों से हैं, मतलब कि सभी पे एग्जाम होगा या कुछ आपके प्रमोशन बेस पे होंगे, कुछ आपके संविदा बेस पे होंगे और कुछ आपके आउटसोर्सिंग से होंगे। तो ये 67,174 पद हैं, इनमें सारे ही इंक्लूडिंग है, लेकिन अगर देखा जाए तो सीधी भर्ती के भी बहुत ज्यादा पद हैं जो अपने आप में इतिहास रच रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, और अगर आप एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पूर्व में भी परीक्षा पर सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एक संस्था है जीआईसी की बात किया जाए। अभी इस बार भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी एलटी और जीआईसी में पूरा कमर कस लिए हैं और आप भी कमर कस लीजिए कि इस बार तैयारी बहुत बेहतरीन कराई जाएगी और आपका चयन भी होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लीजिएगा। इसमें इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको दिख रही होगी इमेज मेरे ख्याल से, और इसमें समूह का खा गा और घा अलग अलग है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्वीकृत पद यहाँ पे देखोगे, माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण, और यहाँ पे आप देखोगे एक तरफ विभाग का नाम है और दूसरी तरफ टोटल वैकेंसीज है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो समूह का होते हैं, समूह का की वैकेंसीज पे आपको फोकस नहीं करना है। ये शिक्षा निदेशक होते हैं, अपर शिक्षा निदेशक होते हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक होते हैं, तो ये निदेशक के पोस्ट होती है सबसे, जिसे ग्रेड ए बोला जाता है। यहाँ पे आपकी सीधी भर्ती कभी नहीं होती है, पदोन्नति के हिसाब से होती है, तो इस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। आपके लिए ये वैकेंसीज नहीं है, आपके लिए जो वैकेंसीज है वो मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपके लिए जो है वैकेंसी सीधी भर्ती से, ये 232 पद है, वैसे 724 पद स्वीकृत पद हैं। कहां पे? राजकीय सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएससी बोल सकते हो, प्रधानाचार्य, और ये सारे के सारे पोस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है, ठीक है। इसमें अधियाचन हो चुका है, कार्यवाही हो चुकी है और 232 पदों पे अधियाचन आ चुका है, मतलब कि ये पद जो होंगे ये यूपीपीएससी की जो अपर वैकेंसी होती है उनमें इंक्लूड किए जाएंगे। 2024 में ये क्या किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे, इस बात को समझते हुए चलिएगा। तो 2024 के पीसीएस में आपको ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपके जो 647 पद हैं ये थे तो पदोन्नति के, 725 के प्रमोशन के, बट माननीय न्यायालय के आदेश से 14/7/2021 के बाद से इसमें पदोन्नति की कार्रवाई रोक दी गई है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इसे सीधी भर्ती में लाया जाएगा या फिर प्रमोशन पे होगा। अगर सीधी भर्ती पे होगा तो अपर में इन सारी वैकेंसीज का एक बहुत तेजी से बूम देखने को मिल सकता है, मतलब मेरे ख्याल से फिर यूपीपीएससी में भी सबसे ज्यादा बोल सकते हो, इतिहास में सबसे ज्यादा सीट तभी आएगी अगर ये क्या हो गया, सीधी भर्ती से हो गया। हालांकि ज्यादा चांस है कि ये किससे हो जाए, प्रमोशन से हो जाए। उसके बाद संस्था प्रधान यहाँ के 4512 पद हैं, ये समूह खा के पद आते हैं और ये सीधी भर्ती से होंगे। ये चयन शिक्षा जो चयन आयोग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, इससे आपका भरा जाएगा। ये नया आयोग आपका गठित हुआ है और 2833 पद है और ये भी सीधी भर्ती है, मतलब 232 से 2833, ये देखा जाए तो लगभग 3060 वैकेंसीज आपकी किसमें हो गई, केवल समूह खा में 3060 वैकेंसीज के अप्रोक्स यहाँ पे खाली है।
जो सीधी भर्ती से आएंगी गारंटीड है। उसके बाद समूह गांव में आएंगी। अब समूह ये संस्था प्रदान जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है ये जनरली होते किससे हैं, ये आपके जैसे टीजीटी पीजीटी आपका अभी तक निकलता आता रहा, अब आपको कौन कराएगा, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। उसके बाद अगर हम समूह गा की बात करें, इसमें राजकीय माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं ये जनरली जीआईसी होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस होते हैं। इसमें प्रवक्ता और सहायक अध्यापक होते हैं, तो ये आपके जो यूपीपीएससी से जीआईसी प्रवक्ता के जो पद होते हैं वो निकलेंगे, और ये आपके एलटी और जीआईसी, एलटी और जीआईसी से जो पद भरने जाते हैं 10,631 रिक्त पद हैं। वैसे तो 30,000 पद हैं टोटल स्वीकृत, जिसमें से 19,000 पद भरे हुए हैं, 10,000 रिक्त पद हैं, तो 10,000 वैकेंसी आपकी यहां पे आ रही है, तो 10,000 आप इसे इंक्लूड करके चलो। और उसके बाद आपका सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय ये शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा, इसमें टोटल 28,000 वैकेंसी है। इतनी आ जाती तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं था, वो भी आपका किसमें, सहायक अध्यापक और लिपिक का। तो इसमें जो लिपिक की वैकेंसी है ये तो आपका कौन करवाएगा, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाएगा। कौन करवाएगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाएगा। और ये जो आपकी बाकी जो वैकेंसी है जैसे प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक, ये आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा। कौन करवाएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा। ये एलटी वाली आपकी यूपीपीएससी करवाएंगी। इसमें इन्होंने क्या लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा की भर्ती करवाता तो है लेकिन लिपिक संवर्ग की करवाएगा, तो यहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका नहीं करवाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें यूपीपीएससी आपका ये 10,631 में एलटी और जीआईसी के अलग अलग पद निकालेगा। इसके बाद सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में भी 28,761 में कम से कम 25% सीट निकलेंगी, मतलब 30,000 का भी 28,700, मतलब बोल सकते हो 29,000, और 29,000 का भी अगर 25% निकाला जाए तो यहाँ पे करीबन आपका 5,000 वैकेंसी तो यहाँ पे कम से कम आपकी बनेगी, ठीक है, लगभग 4,500 से 5,000 वैकेंसी यहाँ पे भी आएगी। तो ये मिनिमम अगर देख करते चला जाए ये किसमें, समूह गांव में आ जाए 4,500 से 5,000 के बीच में। उसके बाद आपका क्या है, संस्था प्रधान शिक्षक, यहाँ पे सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक, इस पे वैकेंसी क्या है, प्रचलित है, ये ऑलरेडी किससे, मानदेय पे भरी जा रही है। और इसके बाद समूह घा में चपरासी वगैरह के हैं तो वो आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। मतलब सीधी भर्ती की बात किया जाए तो 3,000 ये, 10,000 ये, 4,000 5,000 ये, मतलब कि 18,000 से 20,000 की वैकेंसी माध्यमिक से किसके, जीआईसी की, एलटी की, सहायक अध्यापक की, और कुछ आपकी वैकेंसी लिपिक को देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जो आपके हो सकता है कि नवंबर या दिसंबर में अलग अलग आयोग के द्वारा, क्योंकि अब जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो भी अपने सारे काम फिनिश कर चुका है, वो भी तुरंत आपका एक्टिव होगा। दूसरी बात, अधीनस्थ लगातार वैकेंसीज निकाल ही रहा है, और तीसरा आपका यूपीपीएससी भी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो एलटी और जीआईसी की वैकेंसी आपको नवंबर दिसंबर को देखने को मिलेगी। और इतिहास रहा है हर बार जीआईसी और एलटी की वैकेंसी आपको नवंबर दिसंबर में ही आई है, और इस बार भी आपका नवंबर दिसंबर में भी आने के पूर्ण चांस है। तो अपनी तैयारी अभी से शुरुआत कर दीजिए, परीक्षा प्रोसेस का डेडिकेटेड बैच चलाने वाला है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। कौन इसमें भर सकते हैं, तो अलग अलग, जैसे पीसीएस वाले जो पोस्ट होंगे उनमें तो सिंपल ग्रेजुएशन ही होता है, आपका बीएड मांगता है, ठीक है, उसके बाद आपका जो एलटी वगैरह है, जीआईसी वगैरह, इनकी अर्हताएं अलग है। तो एक एक वीडियो में आपको कौन किसमें फॉर्म भर सकता है उसकी बनवा दूंगा, कि एलटी ग्रेड का अलग, जीआईसी का अलग, फिर अपर वाले का अलग, प्रधानाध्यापक का अलग और सहायक अध्यापक का अलग, सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें तब मिल पाएंगी जब आप परीक्षा प्लस के चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को पुश कर लोगे, ताकि आपको इसके अपडेट मिलते रहे। आप परीक्षा प्लस ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ताकि इस पे जब भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी बैच है, तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले कि न्यूनतम फीस में आप उसे जुड़ पाओ। अभी इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ आपको इसके अतिरिक्त पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।